1873 में एक घटना होती है। वो घटना क्या थी कि जहीर शाह अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने देश के बाहर जाते हैं, और जब वो देश के बाहर होते हैं, दाऊद खान अपने लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट दोस्तों की मदद से देश के अंदर एक मिलिट्री कू कर देता है। New men have seized control. Men who appear willing to reactivate ancient grievances and to assist the ambitions of powerful friends. Now there has been a revolution. King Zahir Shah was ousted, and his cousin, Mohammed Daud, decreed Afghanistan a republic. The king went into exile. The new regime has the backing of Afghanistan's small but powerful army, and that in turn is supplied and equipped by the Soviet Union. The troops are Afghans, but the heavy weapons, tanks, advisors, ammunition and fuel come from the Red Army. It was President Daud, Prime Minister until 1963, who first encouraged Russian assistance. And Moscow did not hesitate to take advantage of the invitation. Military, या मैं कहूँ फौज की मदद से तख्ता पलट कर दे। लेकिन वो राजा नहीं बनते, वो अपने आप को राष्ट्रपति बनाते और वो ये कहते कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, और वो राजा का पद खत्म कर देते। वही खत्म होता है, या मैं कहूँ अंत होता है अफगानिस्तान के साम्राज्य का, या द किंगडम ऑफ अफगानिस्तान, और शुरुआत होती है द रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान या अफगानिस्तान गणतंत्र की। جوانان سرود پیروزی هاست، یک پارچه دیر سلابت و حیبت قوای مسلح جمهوری پشت دشمنان را بلرزمی اندازد و سرود آزادی افغانستان اراده مردم ماست، اراده مردم وطن پرست افغانستان که تایی قرنها و صدهای طولانی با خون خود درخت آزاد سرکار کی ہٹا کے یا راج تنتر ہٹا کے ریپبلک آتا ہے، گڑتنتر آتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو لگے گا یہ تو اچھی چیز تھی، لیکن جو ریئلٹی تھی ان کا رول ڈیموکریسی نہیں ڈکٹیٹرشپ لایا۔ پارلیمنٹ کو ختم کر دیا، جوڈیشری کو ڈسمینٹل کر دیا گیا۔ जहीर शाह जो इस वक्त बाहर थे देश के, वो अब समझ चुके थे कि अब देश में लौटने का कोई भी कारण नहीं बचा है, जिस वजह से वो इटली में शरण ले लेते हैं। लेकिन इस डिक्टेटरशिप के या तानाशाही रूल में कई सारे अच्छे रिफॉर्म्स भी आते हैं, जैसे कि सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और 1960s से लेकर 1970s के बीच में एक हिप्पी ट्रेंड बहुत ही पॉपुलर होता है अफगानिस्तान में। ये हिप्पी ट्रेंड होता क्या है? ये एक तरीके के नॉमेड टूरिस्ट होते हैं, जो कि बाहर से आते हैं, आम लोगों के बीच में रहते हैं, उनका खाना खाते हैं, उनके साथ रहते हैं और उनकी लाइफ जीते हैं, और फिर एक्सप्लोर करके वापस चले जाते हैं। मतलब ये उन अमीर फॉरेनर टूरिस्ट की तरह नहीं होते जो महंगे होटलों में रहते हैं, महंगा खाना खाते हैं और महंगे शौक पूरे करने आते हैं। Long hair, the stoner speech patterns, the peace symbols, and the flower power. At the time, they were viewed as a very real threat to the American way of life. In addition to opposing the war, hippies advocated communal living at a time when communism was the country's ideological enemy. They spurned the work ethic in an era when people defined themselves by their jobs. They embraced Eastern philosophies and religions that were alien to most Americans. Hippie culture reached its peak of both visibility and influence at Woodstock in 1969. Billed as 3 days of peace and music, the festival was also a celebration of free love and chemically altered consciousness. Afghanistan is about एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका था और एक पीसफुल डेस्टिनेशन बन चुका था पूरे वर्ल्ड में। अमेरिकन्स और यूरोपियंस इधर घूमने आते थे, लेकिन ये जो शांति थी अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अब आगे बहुत कुछ होने वाला था। पूरी दुनिया में छिड़ जाता है कोल्ड वार या शीत युद्ध USA और USSR के बीच में, अमरीका और सोवियत संघ के बीच में, जिसमें अफगानिस्तान को या तो USA को चुनना था या USSR को। लेकिन अफगानिस्तान देखता है भारत की तरफ। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसे कहते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। वो कहते हैं ना हम अमेरिका के साथ जाएंगे, ना हम सोवियत संघ के साथ जाएंगे, हम अपने देश को आगे लेके जाएंगे और हम इन लोगों से अलग रहेंगे। इजिप्ट और युगोस्लाविया जैसे देशों के साथ इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाता है और अफगानिस्तान इसी मूवमेंट को ज्वाइन करता है। इसी के साथ साथ वो अमेरिका की तरफ भी देखता है, उधर के मॉडर्नाइजेशन को भी देखता है, और अफगानिस्तान सोचता है कि हम कब तक सोवियत संघ के ऊपर निर्भर रहेंगे। लेकिन ये देख के सोवियत संघ के उस वक्त के राष्ट्रपति लियोनार्ड ब्रेजनेव को ये अच्छा नहीं लगता,
क्योंकि सारी मॉडर्नाइजेशन का क्रेडिट अफगानिस्तान के अगर किसी को जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ था, और अब वो सोवियत संघ के साथ ही नहीं खड़ा है। जिसके बाद वो काफ़ी तीखे स्टेटमेंट पास करते हैं और अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी काफ़ी तीखे नोक झोंक इनकी पूरे वर्ल्ड में गूंज रही होती है। और 1977 में एक बहुत बड़ा चेंज होता है अफगानिस्तान के अंदर। दाऊद खान एक नई पार्टी बनाते हैं, नेशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, और जिसकी तीन आइडियोलॉजीज होती हैं, इस्लाम, नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट। मतलब दाऊद खान जो गद्दी पे बैठे थे कम्युनिस्टों और लेफ्टिस्ट लोगों की वजह से, और कम्युनिस्टों ने इनकी सरकार बनाई और उन्हीं के दम पे इनका शासन चला, आज इन्होंने उन्हें ही हटा दिया। दाऊद खान कई सारे इस्लामिस्ट लोगों से दोस्ती भी करते हैं और कम्युनिस्ट लोगों से अपनी दूरी बना लेते हैं, लेकिन दाऊद खान को अब इन कम्युनिस्टों से डर भी लगने लगता है। तो पूरे देश में कम्युनिस्ट, लेफ्ट और लिबरल लोगों के असैसिनेशन या मर्डर होने शुरू हो जाते हैं। मतलब अफगानिस्तान जो एक बहुत ही पीसफुल या शांत देश था, वो अब सिर्फ दाऊद खान के सत्ता के लालच की वजह से पूरे देश में हंगामा हो रहा है। लेकिन एक इवेंट होता है अप्रैल 1978 में, जहाँ पे एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता की हत्या हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, हत्या करने वाले लोग अभी तक अनआइडेंटिफाइड रह जाते हैं। ये कोई आग नहीं थी, लेकिन इस चिंगारी ने एक बहुत बड़ी आग को जन्म दे दिया था। अब इनके खिलाफ कू होता है, मतलब एक आदमी जिसने कू करके अपनी सत्ता बनाई, अपनी सरकार बनाई, अब उसी आदमी को सत्ता से हराने के लिए कू कर दिया गया। फिर इनके साथ साथ इनकी पूरी फैमिली की हत्या कर दी जाती है, और इसी के साथ शुरू होता है सौर रेवोल्यूशन। सौर रेवोल्यूशन, एंड अल्टरनेटिवली कॉल्ड द अप्रैल रेवोल्यूशन और अप्रैल कू, वाज अ कू दैट इट लेड बाय द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान अगेंस्ट द रूल ऑफ अफगान प्रेसिडेंट मोहम्मद दाऊद खान ऑन 27-28 अप्रैल 1978। दाऊद खान एंड मोस्ट ऑफ हिज फैमिली वर किल्ड एट द प्रेसिडेंशियल पैलेस बाय मिलिट्री ऑफिसर्स इन सपोर्ट ऑफ द PDPA। द रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन द क्रिएशन of a Soviet-aligned government with Nur Muhammad Taraki as president. Sar or Sar is the Dari name of the second month of the solar Hijri calendar, the month in which the uprising took place. Revolution was ordered by PDPA member Hafizullah Amin, who would become a significant figure in the revolutionary government. At a press conference in New York in June 1978, Amin claimed that the event was not a coup, but a revolution by the will of the people. The coup involved heavy fighting and resulted in many deaths. The Sar Revolution was a significant event in Afghanistan's history, marking the onset of 43 years of conflict in the country. With the support and assistance of minority political party People's Democratic Party of Afghanistan, Afghanistan banta hai Democratic Republic, aur agle rashtrapati bante hai Nur Muhammad Taraki. Ye communist rashtrapati hote hai aur ek aam communisto ki tarah ye kisano ke bare mein sabse zyada sochte hai. Kisano ko zameenein baanti jati hai aur inhi ke shasan kaal mein Afghanistan ko apna pehla TV channel milta hai. Unfair loan practices ko khatam kiya jata hai aur mahilaon ke vyapar ki सारी प्रथाओं को, कुप्रथाओं को खत्म कर दिया जाता है। मौलवियों की पावर छीन ली जाती है और सारे इस्लामिस्ट लोगों को, कट्टरपंथियों को दबा दिया जाता है। गर्ल्स की स्कूल एजुकेशन शुरू की जाती है। इस्लामिस्टों के इन कट्टरपंथियों के इतने खिलाफ हो जाते हैं कि इस्लामिस्ट तंग आकर सिविल वार छेड़ देते हैं। और फिर एक असैसिनेशन 1979 में, और इस वक्त जो उधर की कम्युनिस्ट पार्टी थी या उधर के जो कम्युनिज्म था वो दो भागों में बट जाता है। और इसको एक अच्छा मौका देखते हुए USSR अफगानिस्तान की तरफ देखता है कि इससे अच्छा मौका में क्या मिलेगा। एक नारा देता है कि कम्युनिज्म खतरे में है और मुजाहिदीन के खिलाफ जंग छेड़ देता है। वक्त कोल्ड वार चल रहा था और यूएसए और यूएसएसआर पहले से ही कोल्ड वार में थे, और यूएसएसआर अब अफगानिस्तान में घुसने ही वाला था। तो अमेरिका ने सोचा अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने मुजाहिदीन लोगों को यानी इस्लामिस्ट लोगों को फंडिंग देनी स्टार्ट की। 1979 में हफीजुल्ला आमीन नूर मोहम्मद तारिकी उधर के राष्ट्रपति का असैसिनेशन करा देते, क्योंकि नूर मोहम्मद हफीजुल्ला का असैसिनेशन कराना चाहते थे लेकिन वो फेल होते। Apparently devoted prime minister Hafizullah Amin. Amin launched a campaign of terror. He had opponents arrested and shot. इस वक्त देश का सिनेरियो कुछ इस तरह था कि जो कम्युनिस्ट थे वो इस्लामिस्टों से तो लड़ ही रहे थे, लेकिन वो कम्युनिस्टों से भी लड़ रहे थे। I said to Amin that his policies were too harsh.
that they were turning the Muslim population against him. और अफगानिस्तान के अंदर प्रभाव पड़ता अपने पड़ोसी देश ईरान। 1979 में एक ईरानियन रेवोल्यूशन उनके पड़ोसी देश में हो रहा, जिसमें उधर के राजा, जो कि एक लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इकोनॉमी और सेकुलरिज्म के एक बहुत बड़े एग्जाम्पल थे। उनके टाइम पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती ईरान के अंदर। सत्ता के लालच ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि उन्होंने पार्लियामेंट और जुडिशरी को डिसमेंटल कर दिया और पूरे देश में असैसिनेशन होते रहे, जिसके बाद 1979 में इस्लामिस्टों ने टेक ओवर कर लिया ईरान को। आधुनिक इतिहास का एक अहम लम्हा, शाह के शासन में ईरान पर यूरोपीय सभ्यता का खासा असर पड़ चुका था, लेकिन तेल के अकूत भंडार की वजह से यहाँ तब भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता का बोलबाला हो गया, जिसने हिंसक प्रदर्शनों को जन्म दिया। अयातुल्लाह खुमैनी फ्रांस में निर्वासित जीवन बिता रहे थे, वो शाह की सत्ता उखाड़ फेंकना चाहते थे। जल्दी शाह को ईरान से भागना पड़ा, वो तब कैंसर से जूझ रहे थे। जब हम पुराने ईरान को ध्वस्त होते और नए ईरान को बनते देख रहे थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इस क्रांति का क्या परिणाम होगा, बल्कि कई ईरानियों को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि आने वाले समय में ईरान क्या शक्ल अख्तियार करेगा। अयातुल्लाह खुमैनी की वापसी पश्चिमी देशों की बुरी हार थी। सड़कों पर लोगों का हुजूम था, कई का तो मानना था कि इतनी भीड़ किसी आंदोलन में नहीं थी। करीब 30 लाख लोग इस क्रांति का हिस्सा बने। फैजुल्लाह अमीन को लगता था जैसा ईरान में हुआ वैसा अफगानिस्तान में ना हो, इसलिए उन्होंने इन इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों से दोस्ती करनी शुरू की। उन्होंने अपने भाषणों में अल्लाह शब्द का इस्तेमाल करना ज्यादा कर दिया। उन्होंने मस्जिदों का रिकंस्ट्रक्शन करवाया और कुरान भी बंटवाया। सारे काम वो एक कम्युनिस्ट होने के बावजूद कर रहे थे। ये सब वो इसलिए भी कर रहे थे ताकि इस्लामिस्ट कट्टरपंथी उनकी साइड आ जाए, लेकिन जनता को इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया। उन्हें तो अपनी भलाई चाहिए थी। अभी तक हमने जितने लोगों के बारे में सुना, अफगानिस्तान में अभी तक जितने लोग आए, जितने लीडर्स आए, सब चाहे किसी भी आइडियोलॉजी को, लेकिन सत्ता के लालच ने उन्हें इतना अंधा कर दिया कि वो अपनी आइडियोलॉजी को किसी भी हद तक ट्विस्ट कर सकते थे। ये आपको आज की पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलेगा कि कैसे कम्युनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट बन गया और एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिस्ट बन गया। और दिसंबर 1979 में ही, इससे पहले कि इस्लामिस्ट अफगानिस्तान में तख्ता पलट करते और अपनी सरकार बनाते, कम्युनिस्टों को खत्म कर देते, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया और हफीजुल्लाह आमिन को मार दिया गया। The Soviet takeover was meticulously planned and skillfully executed. But it has not been clear just how the Soviets were able to set up their coup. A member of a well-placed and influential Afghan family has fled to India. President Amin was living here at the center of Kabul. The Russians persuaded Amin to move to an isolated hilltop palace on the outskirts of Kabul, not far from their embassy. Their excuse was that he would be safer there, well away from the city. But the move was intended to cut Amin off from contact with his government and especially with Afghan army commanders. Russians also managed to lure Afghan guards away from key installations with promises of new equipment. The guards were then executed. Night of the coup, the Russians moved a large force of armored vehicles, like the ones still patrolling Kabul, out to the president's isolated palace. The Afghan defenders and the Russian attackers fought bitterly for almost 4 hours. And according to the Afghan source, casualties on both sides were heavy. Amin was captured, given a quick midnight trial, and executed. Within 2 days, the source said, about 20,000 people were arrested, herded into makeshift jails. The new president, Karmal, has not been seen in public, but the source said Afghan army officers report seeing him and receiving orders from him. The most solid indication so far that Karmal is indeed in Kabul. 3,000 Russian troops had been moved into the country by last weekend. The Soviets are moving units out to other parts of the country where there are reports of heavy fighting against the Soviet forces. इसके पीछे कई सारे कारण थे। पहला था कि कम्युनिज्म खतरे में है, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को बचाना था। दूसरा कोल्ड वार और एक जियोपॉलिटिकल भी। सरकार बदलती है और बाबरिक कारमाल बनते एक नए राष्ट्रपति, जो अपने बनते 2,700 से भी ज्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ते हैं। ये प्रिजनर्स कौन थे? ये सारे वही लोग थे जो सरकार के खिलाफ बोलते थे और इसलिए कैद में थे, तो इन सबको रिहा कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ा चेंज लेके आते हैं कि अफगानिस्तान में रेड कम्युनिस्ट फ्लैग हटा दिया जाता है और एक नया झंडा अफगानिस्तान को मिलता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इलेक्शन, राइट टू प्रोटेस्ट और फ्रीडम ऑफ रिलीजन जैसी चीजें इनके रिफॉर्म्स में आती है। फाइनली अफगानिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी आती है, एक स्थिरता आती है। लेकिन ये देख के एक देश कैसे खुश हो सकता था?
वो देश था अमेरिका। अमेरिका देख रहा था कैसे सोवियत संघ अपनी इन्फ्लुएंस जमा रहा अफगानिस्तान के ऊपर, और वो अभी अभी भी इथियोपिया और वियतनाम जैसे देशों में अपनी हार का सामना करके लौटा था। वियतनाम और इथियोपिया के साथ साथ अरब और अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा में भी सोवियत संघ अपना कब्जा या अपना इन्फ्लुएंस जमा चुका था। अमेरिका ऑलरेडी अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था कोल्ड वार। उसने सोचा और उसने अफगानिस्तान को एज अ अपॉर्चुनिटी यूज किया सोवियत संघ को हराने के लिए। उसने अफगानिस्तान के अंदर इंटरनल डिस्प्यूट्स को बढ़ाना शुरू किया और कम्युनिस्टों के खिलाफ जो लड़ रहे थे इस्लामिस्ट लोग, या मैं कहूँ मुजाहिदीन टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग देना स्टार्ट किया। मुजाहिदीन को अभी तक पाकिस्तान सऊदी अरेबिया जैसे देश की सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब यूएसए उन्हें फंड भी कर रहा था और उन्हें हथियार भी दे रहा था। और अमेरिका की CIA अपना सबसे बड़ा अंडरकवर ऑपरेशन स्टार्ट करती है, ऑपरेशन साइक्लोन। CIA के डायरेक्टर रॉबर्ट गेट्स कन्फेस करते हैं कैसे उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने मुजाहिदीन को $5,00,000 दिए थे। अमेरिका के अंदर सरकार बदली लेकिन इस मिशन को कभी रोका नहीं गया बल्कि और बढ़ाया गया। अगले राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने भी कुछ यही किया। और इस वक्त अमेरिका की CIA पाकिस्तान की ISI या फिर यूनाइटेड किंगडम की MI6 के साथ साथ सऊदी अरेबिया जैसे तमाम देशों की इंटेलिजेंस लग गई मुजाहिदीन को जिताने में। अभी मुजाहिदीन थे कौन? ये एक गोरिल्ला फाइटर थे जो पहाड़ों में छुप छुप के लड़ते थे, लेकिन बाद में इन्हें सपोर्ट मिला, पैसा मिला और हथियार मिले, एयरक्राफ्ट मिसाइल्स तक मिली। और इधर 1988 में डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्ला एक एग्रीमेंट साइन करते जिनेविया में पाकिस्तान के साथ। क्या था ये एग्रीमेंट? कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में डिस्प्यूट्स क्रिएट नहीं करेगा, नहीं इंटरफेयर करेगा। इस एग्रीमेंट के जो दो गारंटी बनते हैं वो होते सोवियत संघ और अमरीका। अमरीका कुछ शर्त रखता है, वो कहता है अमरीका अपनी फंडिंग मुजाहिदीन को रोक देगा अगर सोवियत संघ अपनी फौज हटा ले अफगानिस्तान। फाइनली 9 साल बाद 1989 फरवरी में सोवियत संघ अपनी फौज हटाता है अफगानिस्तान से। कुछ लोगों का मानना है कि सोवियत संघ का फौज हटाना के पीछे का जो कारण था वो ये एग्रीमेंट नहीं बल्कि वो उसका खुद का इंटरनल डिस्प्यूट था कि इस वक्त सोवियत संघ खुद टुकड़ों में टूट चुका था और जिसमें से एक सबसे बड़ा देश रशिया निकलता है। पहले अफगानिस्तान का बॉर्डर जो सोवियत संघ से लगता था अब वो तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से लग रहा था। मोहम्मद नजीबुल्ला कई सारे रिफॉर्म्स लाते हैं, वो अपनी पावर्स कम भी करते हैं। वन पार्टी सिस्टम को मल्टी पार्टी सिस्टम बनाते हैं कि हर पार्टी इलेक्शन लड़ सकती है। इलेक्शन होते हैं और नजीबुल्ला फिर से जीत कर आते हैं और अफगानिस्तान अब बनता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। कम्युनिस्ट के सारे टैग अफगानिस्तान के ऊपर से हटा दिए जाते हैं। नजीबुल्ला एक हाथ बढ़ाते हैं उन इस्लामिस्ट लोगों की तरफ, फॉरेन एड की जुगाड़ करते हैं और अपने लोगों का समृद्धि के लिए दूसरे देशों के दरवाजे खटखटाते हैं। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी अमेरिका नहीं सुधरता, वो अपनी फंडिंग नहीं रोकता मुजाहिदीन का। सब होने के बाद भी मुजाहिदीन नजीबुल्ला की बात नहीं सुनते, वो ये सब मानने से इनकार कर देते, इलेक्शन का रिजल्ट ही मानने से इनकार कर देते और इलेक्शन का बॉयकॉट कर देते। क्यों? क्योंकि वो लड़ तो सकते थे लेकिन जीत। और ये सब होने के बाद भी उनका एक नारा था कि इस्लाम खतरे में। हमने मुजाहिदीन को सपोर्ट मिल रहा था अमरीका का, तो पीछे से फॉरन एड के जरिए सोवियत संघ या मैं कहूँ रशिया मदद करता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि USSR या सोवियत संघ इस वक्त बट चुका था, अब वो अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा था। और 1992 में मुजाहिदीन सिविल वार छेड़ता है और जीत जाता है। मुजाहिदीन एक इस्लामिस्ट ग्रुप भले ही था लेकिन वो अलग अलग गांव, अलग अलग लोग, संप्रदाय, समुदाय या फिर कबीलों से बना था। अब वो लोग जीत तो गए लेकिन ये नहीं पता था कि अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा, क्योंकि सत्ता का लालच तो सभी कबीलों को था। मुजाहिदीन के अंदर खुद इंटरनल डिस्प्यूट होता है और एक नए लीडर उभरते हैं बुरहानुद्दीन रुब्बानी, जो बनते हैं अगले राष्ट्रपति। लेकिन अगले कुछ सालों तक आते आते एक नए ग्रुप या एक नए टेररिस्ट ग्रुप का जन्म होता है जिसका नाम है तालिबान। और 1996 में ही एक टेररिस्ट ग्रुप आता है जो मुजाहिदीन को उखाड़ फेंकता है जिसका नाम है तालिबान।